तो यार आज का जो दिन है उसका मुझे नहीं बल्कि हर किसी को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। और आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है तो आज मैं ऑफिस जाऊंगा और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तक बेसिकली मैं 6 महीने से वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था, लेकिन अब मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है। जैसा कि TCS ने अपने एम्प्लॉयज़ को बुला लिया है ऑफिस के अंदर, तो गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। कल मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी तैयारियां की, कुछ कपड़े वगैरह लेके आया, लेकिन देखो जूते भी मैं लेने गया था लेकिन जूते मिले नहीं। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीज़ें मैंने तैयारियां वगैरह की। फ्रेंड्स, और यू आर वेरी वेलकम वेलकम टू आवर टेक्निकल रुशद यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे अपने TCS के ऑफिस को, लेकिन मैं अंदर से नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। बाकी पूरा ब्लॉग बनाएंगे कि क्या ऐसा मेरा दिन रहा और क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा TCS के ऑफिस के अंदर फर्स्ट डे। और बाहर से तो ऑफिस दिखा नहीं है, तो चलते हैं। हाँ तो TCS के अंदर हम सुबह 9 बजे आ गए थे, ऑफिस के अंदर एंट्री हो गई थी और तब से अभी तक ID कार्ड के चक्कर में, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब जाना नहीं पड़ रहा। सरकारी बिल्डिंग तो है नहीं तो जाना पड़ेगा, मेल से ही काम हो रहा है। हाँ, तो मेल से सारे सारे काम हुए। अब A few inches later, 9 बजे से 12:40 जिस दिन जाएंगे उस दिन मीन्स ज्यादा कुछ 3 घंटे 40 मिनट हमको हो चुके हैं यहाँ पर बेसिकली ID कार्ड और एक्सेस लेने के चक्कर में, और अभी भी हमारे हाथ में नहीं है। बाकी हम कैफेटेरिया में आ गए थे, आप देख सकते हैं कैफेटेरिया कैसा है। थोड़ा सा भी मैं दिखा दूंगा, मैं अच्छे से वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्या पता यहाँ पर थोड़ा सा धीरे धीरे बेसिकली अब परमिशन ना हो। अभी हमें पता नहीं है, वैसे कैफेटेरिया में तो कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ भी डाउन है, समझ सकते हो। 1 hour later, अभी पता है क्या हुआ, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल देख रहे हो, ये पूरी इतनी भरी हुई थी यहाँ तक। ये ना, ये फोटो खिंचाने के चक्कर में ये कोल्ड सारी ड्रिंक की बोतल यहाँ से यहाँ तक अकेला ही पी गया। हंसी देखो इसकी, पूरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल। 2 hours later, ये हमारे भाई साहब, ये देखो बैक कैमरे से अच्छी सी फोटो, स्माइल ब्रो। अच्छी कोल्ड ड्रिंक किसने पी? देखो किसी ने भी पी, बस मैंने नहीं पी। और ना ही ये मैंने भी, ये सिर्फ रजत भाई ने भी फोटो खिंचवाने के चक्कर में कि ऐसी पोज बना। स्नैपचैट पे स्ट्राइक बन जाएगी ना, ना ऐसी पोज बना फोटो कि क्या कहते हैं फोटो खींचे फोटो से। रजत भाई कह रहे थे कि यार कोल्ड ड्रिंक पीते हुए फोटो खींचे, उसके चक्कर में ना पूरी पूरी बोतल खत्म। 3 hours later, तो ये है हमारा कैंपस का पार्क। और चलिए यहाँ पे थोड़ा सा घूमते हैं, अभी हमारा ID कार्ड वगैरह प्रिंट हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ वो देखो, पेड़ पर खजूर लग रहे हैं, पत्थर मार के तोड़ दे, लेकिन यहाँ पे हम प्रोफेशनल बंदे हैं तो यहाँ पे ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। ठीक है, और वो रही हमारी बिल्डिंग्स। और ये है पार्किंग। तो यार आई कार्ड के चक्कर में अभी तक बैठे हुए हैं और अभी टाइम हो चुका है 1:20, और देखते हैं कब तक आई कार्ड हैंड ओवर होगा। और बेसिकली आप पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं TCS की, और अभी फ़िलहाल हम पार्क में थोड़ा सा घूमने के लिए आ गए थे, तो अभी ये दोनों के दोनों यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है, इनका फ़ोटो ले रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर डालने के लिए। इंस्टाग्राम पर फ़ोटो डालेंगे, तो इंस्टाग्राम पर फ़ोटो डाली जा रही है, और ये देखो पोज। और ये है हमारे कैमरामैन श्रीकांत सिंह, और ये हैं हमारे सेलिब्रिटी जो कि अब स्माइल देंगे। देखो अब हम इनकी स्माइल निकलवाएंगे, ये स्माइल दीजिए, स्माइल स्माइल तुम भी दे दो साथ में। ये देखो अभी हमें क्या मिला, ये देखो कितनी प्यार से बैठी है, और इसने अभी ना हमसे दोस्ती कर ली है। देखो एकदम नीचे उड़ जाएगी, उड़ जाएगी, तोता सा ऐसा लग रहा है। नहीं ये कबूतर है, ऐसा लग रहा है ना इसको कहीं कुछ बीमारी वगैरह हो रही है या फिर कुछ दिक्कत है इसको। लेकिन ये देखो ये है हमारी TCS की बिल्डिंग, पहला है हमारा साउथ ब्लॉक और ये वाला है हमारा नॉर्थ ब्लॉक। यहाँ से जहाँ से मैं खड़ा हूँ तो पहला साउथ पड़ रहा है, फिर दूसरा नॉर्थ, लेकिन अगर आप बाहर से आओगे तो पहले नॉर्थ पड़ेगा फिर पड़ेगा साउथ ब्लॉक। 2000 years later, तो भाई फाइनली आई कार्ड मिल चुका है जैसे कि आप हाथ में देख सकते हैं, और
9 बजे आए थे हम, इसे लेते लेते पूरे हमें 5:20 हो गए हैं। तो आज हमने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने आज आईडी कार्ड लेने का काम किया, और हमने सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड लिया। तो श्रीकांत भाई, कैसा रहा आईडी कार्ड लेने का एक्सपीरियंस? काफी लाजवाब था। जो संस्कार 9 बजे से शाम के 5 बजे तक वेट कराया। तो मतलब पहले दिन अगर आप आने वाले हो ना, तो सिर्फ आपको आई कार्ड लेने का प्रोसेस ही करना पड़ेगा, और मैं घर जाके आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस था आईडी कार्ड का, जिससे कि अगर आप आ रहे हो तो आपको पहले ही कंफर्म हो जाए और आप बेसिकली अपने आई कार्ड को जल्दी ही कलेक्ट कर लो। आपको पूरा का पूरा दिन वेट ना करना पड़े, आप एक दिन में सारा सारा काम करा सकते हो और आपको कल तक आई कार्ड हैंड ओवर हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बात करना चाहता हूँ। तो एक्सपीरियंस की बात ये है कि जब हम पहले दिन गए थे तो हमें पूरा दिन आई कार्ड बनवाने में लग गया था। हम 5 बजे वहाँ से बाहर निकले थे, आई कार्ड लेके ही हम चले गए थे। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी प्रीरिक्विजिट है वो सब पूरी नहीं थी, तो हम आई कार्ड बनवाने में ही लगे रहे। यहाँ मेल करा, वहाँ मेल करा, फिर वो मेल का रिप्लाई आया, जगह जगह से वेरीफाई हुआ। वो वेरीफाई होने के बाद जो IDMDE में उसको मैसेज किया गया कि हाँ, अब इनका आईडी कार्ड इश्यू कर दिया जाए। तो जो हमारे कुछ कलीग्स थे और जो जानने वाले थे, उनको हमने पहले ये बात बता दी थी कि आप इस तरीके से अपने आईडी कार्ड के लिए पहले ही अप्लाई कर दो, जिससे कि आपका पहला दिन ख़राब ना हो। ठीक है, लेकिन ख़राब नहीं हुआ, एक्सपीरियंस था। कुछ लोगों से, नए नए लोगों से मिले और काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली। पूरे दिन रिसेप्शन पे बैठे रहे थे, लेकिन पूरा ऑफिस भी देखा चारों तरफ से। हाँ, जो बिल्डिंग के फ्लोर्स थे उनके अंदर जाने के लिए हमारे पास एक्सेस नहीं थी बिना आईडी कार्ड के, लेकिन हमने पूरा जो जहाँ मतलब जो एक्सेस वाला एरिया नहीं था, जहाँ जहाँ आईडी कार्ड नीड नहीं था, वो एरिया हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया था, देख लिया था। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था पहले दिन हमारे लिए कि हाँ, हमने कुछ किया नहीं और चीज़ों को एक्सप्लोर किया। ठीक है, कैफेटेरिया में आप बिना आईडी कार्ड के जा सकते हो, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पे आप बिना आईडी कार्ड के जा सकते हो, लेकिन जो फ्लोर बने होते हैं उनके अंदर आप बिना आईडी कार्ड के जा ही नहीं सकते। जैसे कि मेरा पहला दिन था और मुझे पता नहीं था कि कहाँ कहाँ फोटोज की परमिशन है, कहाँ कहाँ क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए मैंने जो ब्लॉग है वो खुलकर नहीं किया, और जो मेरा ऑफिस प्रमाइसिस के अंदर की वीडियोज़ हैं वो सब मैंने शूट नहीं की, और इसीलिए मैंने ऑफिस के बाहर की कुछ वीडियो शूट की और जो मैं रेडी हुआ ये सब। तो गाइस, टोटल मुझे 1 महीना हो गया है गए हुए, और मैंने सिर्फ शूट किया था व्लॉग पूरा का पूरा, लेकिन मैंने डाला नहीं था। अब मैं सोच रहा था इसे डालूँ या ना डालूँ, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं है, तो उनके लिए आई थॉट कि मुझे ये वीडियो डालनी चाहिए थी, इसीलिए इस व्लॉग को जो मैंने शूट किया है, इसको मैं लेटर तरीके से ऐसे बोलकर बेसिकली अपलोड करूँगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा और TSA से रिलेटेड और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे Instagram पे फॉलो करें और वहाँ पे मैसेज करें, और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच करें, और जो मन में वो करें। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।